एक बड़ी दुखद खबर आई जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। हमले में कई लोग जख्मी हुए। हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हमले की वजह से बस अनियंत्रित हुई। बस शिव खोड़ा मंदिर से कटरा लौट रही थी। घटनास्थल पर शव बिखरे पड़े थे। हादसे में कई लोग घायल हैं, 30 से ज्यादा लोग। हमले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के काम में जुट गए। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि शिव खोड़ी मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर पोनी इलाके के तेरयात गांव में हमला हुआ। बस पर जो हमला हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आज सुबह से मौके पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हमले को लेकर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय और राहुल गांधी ने दुख जताया है। तो सुबह से ही ये हमला जारी है। अमित शाह और सीएम साय ने दुख जताया है। तीर्थयात्रियों से भरी बस में आतंकियों ने हमला किया। यानी जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात, अगर आप सोच रहे हो कि अच्छे हैं तो अच्छे नहीं हैं। वरना सेना की तैनाती के बाद भी आतंकवादियों के द्वारा हमले क्यों हो रहे हैं? यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया।